अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोट आज़ाद कश्मीर में, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे। उसके बाद हम बाहर निकले थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। रात को हम यहाँ पे जल्दी सो रहे हैं, ये कराची है नहीं कि 3 बजे 4 बजे सो रहे, हम रात 12 बजे तक 11 बजे तक सो जाते हैं। तो अभी काफ़ी दूर आ गए, लेकिन दूरों दूर तक अभी होटल नहीं खुला हुआ है। ये सामने एक होटल है, यहाँ जाते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, और उसके बाद आपको अपनी मस्जिद दिखाते हैं और यहाँ की थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। अभी नाश्ता करके हम आ गए और अभी 6:30 बज रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने पहाड़ पे, और ये रावला कोट आज़ाद कश्मीर, साफ़ सुथरा इलाका है और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। आपको मस्जिद भी दिखाते हैं हम, जिस मस्जिद में ठहरे हुए हैं। देखिए पहाड़ देखें, यहाँ बैक साइड पे भी इसी तरीके से पहाड़ है, और ज़्यादातर यहाँ पे गली वली हुई, हर जगह पे रोड वगैरह बना हुआ है। देख सकते हो यही इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन ये है कि सुबह के टाइम का बात ही अलग होता है। और ये देखिए आप, माशाल्लाह अल्लाह पाक, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और ओले भी बरस रहे हैं और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। ये रावला कोट में काफ़ी भाइयों से मैंने पता किया तो यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मंज़र है। और यहाँ पे बारिश के बाद तो और अच्छा प्यारा मौसम हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं सबसे हाईएस्ट पहाड़ पे, ये देख सकते हैं मंज़र आप, काफ़ी अच्छा मंज़र है। और ये कोने वाला पहाड़ देख रहे ना, वहाँ पे जाएंगे टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर जाएंगे टोली पीर, वहाँ पे एक मज़ार है, मज़ार के लिए जा रहे हैं हम टोली पीर। तो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी इस वक्त हम कश्मीर के पहाड़ी टॉप पर हैं और यहाँ का व्यू कुछ यूँ है। माशाल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह पाक का नज़ारा जो अल्लाह पाक ने, ये सोच भी नहीं सकते थे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही लगा, जितना शुक्र अदा करे। एक यहाँ पे वैसे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर जहाँ पे मज़ारत औलिया है, टोली पीर। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मंज़र है। तो काफ़ी अभी ऊपर हमें जाना है, तो जिसके वजह से हम सब टीम, जो हम जितने भी टीम वाले हैं, तो हम सब ने घोड़े लिए हैं। अच्छा, ये सामने वाले जो
सामने वाले पार जो है वो इंडिया वालों के पाकिस्तान वालों के पास है, इंडिया वालों के पास है, इंडिया वालों के पास है। और हमारे पास कौन सा है? हमारे पास यही है, यही सामने सामने ये जो सामने ये और ये कितने बुलंदी पे? ये 11,000 बुलंदी पे हम आ चुके हैं अभी तक, और अभी और आगे जा रहे हैं हम। तो देख सकते हैं ये सामने जो पहाड़ों पे बर्फ़ वगैरह है, और यहाँ पे बता रहे कि एक महीना पहले यहाँ पे इस पहाड़ में बर्फ़ था। तो अभी हम और आगे जा रहे हैं, तो आगे हमारे और भी जो हमारे साथ काफ़िले में वो तो आगे पहुँच भी गए हैं और कुछ पीछे भी आ रहे हैं। पीर शरीफ में आए हुए हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये आप देख सकते हैं कि वो पहाड़ भी है और ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ भी है। और इसके अलावा भी आपको ऊपर भी लेके चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं, मज़ार शरीफ भी दिखाते हैं आपको। और इसके अलावा माशाल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें हैं। और इस वक्त हम जो बुलंदी पे हैं, बताया जा रहा है 10,000-11,000 फीट, बताया जा रहा है कि 10-11,000 फीट के बुलंदी पे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, फिर आपको आगे की भी दिखाते हैं। सामने वाली साइड पे उनकी है, ये जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है ना, वो वहां कोई दिखा था मेरे को, ये तो हमारे के आपने कश्मीर के मकान है ना, ये वो आगे वाली पहाड़ी, वो आखिरी पहाड़ी पे जो मकान नजर आ रहे हैं ये वाली, ये इंडिया, ये पहाड़ी जितनी है ना जो ऊपर, ये इंडिया है, इससे सब आगे इंडिया बर्फ से इधर तक, ये मुझे कोई जबूटा जिन लाओ जो मैं चले जाऊं वहां पे। उसे पहुंचे वहां से गोली भी आया था, साल पूरा लग गया, पूरा साल इंडिया वाले गोली भी मारेंगे। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है, वैसे ये नजर आ रहा है करीब, ये वो जो टावर दिखते थे वहां से, वो दो टावर वो देखे, वो बाग का कौन सा हिस्सा है? बाग, बाग ये नीचे बाग है, ये सब इससे नीचे बाग है, ये शहर है, बाग का एरिया, ये सब ये बाग का जिला है, ये लखनऊ टावर लगा हुआ है, यही सब इस तरह, ये सब बाग है। इसी के नीचे वो आई है पहाड़ी है ना काली, जी जी, इससे नीचे जाएंगे तो नीचे जाके वो आगे झील आएगी, समझ आएंगे, रावलाकोट का एरिया ये कौन सा झील है वो वहाँ पे, ये शहर सामने रावलाकोट का यार वो, अच्छा ये रहा, ये सामने ये झील कौन सा वहाँ पे, ये काला जो पहाड़ है ना काला, इसी के नीचे, इससे नीचे अंदर है झील का नाम क्या है, वो तड़खल है सामने उस तरफ, वो सामने वो जो छोटा सा काला काला, हाँ बंजसा, झील का नाम क्या, बंजसा, बंजसा, अच्छा ये जो है ना वो सामने, ये सामने, ये सामने काले पहाड़ के नीचे, वो ये जो एरिया है ना, ये एरिया जी कोटली नक्याल, ये एरिया सर, ये वो आ जाता, वो इंडिया का दरिया जा रहा है वो, अच्छा ये दरिया है इंडिया का, ये सामने वो बड़ा लंबा वाला नहीं है, ये पुल है, ये बहुत बड़ा पुल है इस कश्मीर में, ये मकबूजा कश्मीर है, ये पुल के उस तरफ, हाँ ये यार ये सामने मकान नहीं, टेकरी पे जी, ये इससे आगे वो वाला टेकरी नजर आ रहा है कि दो वाला, बिल्कुल बिल्कुल, इससे उधर सब इंडिया, ये सामने हुई है सेंटर वाला दरिया के दोनों तरफ बैठी हुई हमारी आर्मी, ये इंडिया का, हमारी आर्मी यहाँ पे बैठी, ये सामने ये रोड ऊपर जा रही नजर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारी आर्मी है, इससे नीचे उनकी आर्मी है हमारी। अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।